हाय एवरीवन, वेलकम टू इन्फोवेन्यू। मेरा नाम है बास और इस वीडियो का टॉपिक है कोरोना वायरस, या उसे हम कह सकते हैं नोवल कोरोना वायरस, और उसकी मैं बताऊं आपको प्रिवेंशन एंड साइंस एंड सिम्टम्स। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपको कि अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। देखिए, इसमें आपको बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस है क्या। देखिए, कोरोना वायरस से क्या है, एक सिंपल एक फैमिली ऑफ वायरसेस में से आता है जो कि डिजीजेस कर रहा है, फ्रॉम सिंपल कॉमन कोल्ड से लेकर डिफरेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स सिंड्रोम, जैसे कि उसमें आ जाता है सार्स, जिसे बोलते हैं हम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और एक होता है मर्स, जिसे बोलते हैं मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो कॉमन कोल्ड जो कि नजला सिंपल आप बोल सकते हैं, उससे लेकर सीवियर डिजीज तक भी हमें कर सकता है। तो अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की बात करें तो अभी तक इसके 17,000 केसेस सामने आ चुके हैं फ्रॉम इंडिया, चाइना एंड फ्यू मोर कंट्रीज, और 350 डेथ्स अभी तक हो चुकी हैं। और अगर बात करूं मैं इसकी, कोरोना वायरस की, सबसे पहले इसे रिपोर्ट किया गया था चाइना के वुहान से, जो कि 31 दिसंबर 2019 को रिपोर्ट किया गया था। तो देखिए, इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सार्स कोरोना वायरस और एक होता है हमारा मर्स, जो कि मैंने आपको बताया था कि सार्स होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और दूसरी जो कोरोना वायरस होता है वो होता है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो जो मिडिल ईस्ट वाले होते हैं वो अरेबियन कैमल्स से ट्रांसमिट होते हैं, और जो सार्स है जो कि सीवियर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस जो ट्रांसमिट होता है वो कैट से होता है। तो दोनों जो है ये एनिमल्स से ट्रांसमिट होते हैं, और जो कोरोना वायरसेस होते हैं ये जूनोटिक होते हैं। जूनोटिक मतलब क्या होता है, जूनोटिक जू जो होता है ये एनिमल से रिलेटेड होता है प्रीफिक्स। तो जूनोटिक मतलब होता है कि ये जो वायरस है ये एनिमल से ट्रांसमिट हो रहा है ह्यूमंस में, और कुछ स्टडीज में ये भी पाया गया है कि ये बैट से भी ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये बात हो गई कोरोना वायरस की कि ये है क्या। अब बात करते हैं कि इसकी साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या है। तो देखिए, अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, या अगर आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, या आपको फीवर हो रहा है, कफ, स्नीजिंग, तो आप जरूर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर या किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको नजला बुखार हो गया है तो मतलब आपको कोरोना वायरस से ही आप इन्फेक्टेड हो, तो इसका मतलब ये नहीं है। सो आई एम नॉट अ डॉक्टर। तो अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम दिखें तो आप जरूर जाएं अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पास, उनसे उन्हें अपने सिम्टम्स बताएं। तो चांसेस हैं कि हो सकता है अगर आप इन्फेक्ट हुए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप ऐसा होने लगे कि मैंने बोल दिया कि स्नीजिंग, कफिंग, फीवर, ये सब सिम्टम्स है। अब आपको नॉर्मल फीवर भी हो रहा है तो आप ये समझने लगे, एंशियस हो जाएं कि भाई मुझे तो कोरोना वायरस हो गया। तो दीज आर जस्ट बेसिक सिम्टम्स। और अगर हम सीवियर केसेस की बात करें तो कोरोना वायरस जो है निमोनिया भी कर सकता है इन्फेक्टेड पर्सन में, और किडनी फेलियर हो सकता है, और इवन डेथ्स भी हो सकती है, जो कि मैंने आपको बताया कि 350 डेथ्स अब तक हो गई है, और अभी तो ये डेटा जो है मेरे पास पूरा नहीं है। अब देखिए, अब बढ़ रही होंगी डेथ। तो ये बात हो गई साइंस एंड सिम्टम्स की। तो अब बात करते हैं हम प्रिवेंशन की। तो देखिए, प्रिवेंशन, तो अब इससे हम बचे कैसे, कोरोना वायरस से हम अपने आप को बचाएं कैसे। तो इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं, जैसे कि आपको अपने हाथ जो हैं वो अच्छे से धोने हैं, तो यू शुड वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली यूजिंग, आप डिटॉल यूज कर सकते हैं, सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं, या जो भी अल्कोहल रब आता है उसे यूज कर सकते हैं। आप प्रॉपर हैंड हाइजीन फॉलो करें। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट प्रिकॉशन प्रिवेंशन में। दूसरा पॉइंट है हमारा प्रिवेंशन में कि आप अपने, जब भी आप स्नीज करें, कफ करें, तो आप अपने टिश्यूज यूज करें या आप अपना हाथ रखें, और कोई भी आप ऐसी लोकेलिटी या कोई भी आप ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहां आपको पता है कि ऑलरेडी वहां इन्फेक्टेड है, मतलब आप फैला हुआ है कोरोना वायरस, तो ऐसी जगह जाने से आप जरूर बचें। और आप जो भी रॉ मीट, वैसे तो रॉ लोग खाते नहीं है, अगर मीट यूज कर रहे हैं या एग्स यूज कर रहे हैं तो उसे आप अच्छे से कुक करें, प्रॉपर उसे बॉईल करें, ताकि जो भी आपकी चांसेस हैं इन्फेक्शन के वो कम हो जाएं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।